हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 59 के बारे में बात करेंगे और ये जो है क्लास बच्चों थर्ड की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना सेशन, यहाँ अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। मैरी गोल्ड बुक से बच्चों ये ली गई है, यूनिट 1 द मैजिशियन गार्डन, ठीक है। स्टोरी जो है उसके पेज नंबर 4 और 6 जो हैं वो लिए गए हैं यहाँ पर। और आज डेट क्या है बच्चों, ये आज डेट है 1/9/2021। चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या दिया गया। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि हमारे यहाँ क्या एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें यदि आप क्या करते हो, लाइक करते हो, ठीक है, इस तरीके के बटन को दबाते हो और वो ब्लैक हो जाता है तो लाइक करते हो आप, या चैनल लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट में अपना नेम लिखते हो, तो संडे को विनर अनाउंस किया जाएगा और उनको क्या है गिफ्ट दिया जा रहा है। तो यदि आपको क्या है, यदि आपको उस विनर की लिस्ट में आना है, ठीक है बच्चों, और आसानी से आना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इतना काम करो, ठीक है, शायद आपका लक्की चैम हो जाए और आपको गिफ्ट मिल जाए, ठीक है। लास्ट वीक भी यही करा था हम लोगों ने और हमें ने क्या है दो बच्चों को गिफ्ट भी दिया। तो चलो इसमें देखते हैं क्या बोला गया। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी क्या है बहुत अच्छा कर देंगे। वी हैव रीड द स्टोरी द मैजिशियन गार्डन, और हमने क्या है मैजिशियन गार्डन स्टोरी रीड करी होगी। गिवन आवर टेक्स्ट बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। नाउ लेट फर्दर अंडरस्टैंडिंग द लेसन आर डूइंग एक्सरसाइज गिवन ब्लू। आपको नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको आपको क्या करना है, करना है बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दिया गया। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड मैचिंग द पिक्चर, ठीक है। आपको वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना है और पिक्चर से मैच करना है। जैसे क्या है बच्चों, ये क्या है गार्डन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा गार्डन की पिक्चर, ये क्या हो जाएगी गार्डनर्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा वाटर कैन हो जाएगा, ठीक है, वाटर देने वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया। नीचे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लुक एट द सेंटेंस गिवन बोलो। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए, टेक दे हैव बीन स्पोकन बाय समवन इन द स्टोरी द मैजिशियन गार्डन, लेट फाइंड आउट स्पोकन, ठीक है, सेंटेंस इन द स्टोरी। क्या है नीचे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जो किसी के द्वारा क्या है इस मैजिशियन गार्डन स्टोरी में बोले गए हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग अ ब्रेड ऑफ फॉर अस। तो ये क्या है बच्चों, ये किसने बोला था, ये एक टिनी बर्ड ने बोला था, तो ये क्या हो जाएगा टिनी बर्ड्स हो जाए, बर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आई लव द मैरी गोल्ड एंड द गोल्डन ड्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये किसने बोला था, ये चाइल्ड ने बोला था, ठीक है बच्चों, किसने बोला था, ये चाइल्ड ने बोला था, इसे आप नोट डाउन कर लेना। आगे देखो बच्चों क्या बोला गया है, टॉकिंग टाइम, अब बात करने का समय है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन राइट हैंड साइड केयरफुली। आपको राइट हैंड साइड पिक्चर्स दी गई हैं, इनको देखिए बहुत प्यार से, ठीक है। वॉट वुड यू थिंक द बॉय एंड द गर्ल पिक्चर टॉकिंग अबाउट, तो आप क्या इसको देख के लग रहा है कि आप क्या बात करेंगे ये बॉय और गर्ल, ठीक है। एंड इमेजिन एंड क्रिएट अ डायलॉग, इमेजिन करो आंखें बंद करके और डायलॉग्स को क्रिएट करो। सेज देम आउट लाउडली, और उसको चिल्ला चिल्ला के बोलो, ठीक है। राइट देम इन योर नोटबुक, और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखो। यू मे टेक हेल्प योर एल्डर्स, ठीक है, आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हो। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक लड़की है जो क्या है पैरेट खरीद कर लाई होगी, और उसका भाई देखकर अचंभित हो गया, उसने सोचा कि ये कहाँ से आ गया, तो उसने क्या पूछा होगा बच्चों, तो बच्चों उसके भाई का डायलॉग क्या होगा, वेयर लिखो इसमें, वेयर डिड यू गेट इट, ठीक है। ये डायलॉग किसका है, इस लड़के का है, इसके भाई ने बोला होगा। तो इसकी बहन ने क्या रिप्लाई करा होगा, इसने रिप्लाई करा होगा आई बॉट, यानी BOUGHT बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ये रिप्लाई किसने करा होगा, इस बच्ची ने रिप्लाई किया होगा अपने भाई को, ठीक है। तो क्या है बच्चों, आगे देखो क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पाठ में दिए गए शब्दों उसे वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। जो वाक्य हैं बनाने के लिए क्या करना है, आप सभी को प्रेरित करना है, अभिभावकों के लिए ये क्या है सुझाव है। तो बच्चों यहीं पर आपकी वर्कशीट वाली समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।